हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पावर एंड पॉलिटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पावर और पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अबाउट द पावर। पावर है क्या? ठीक है, अगर हम जर्नल सिंपली अगर डिस्कस करें पावर के बारे में, तो पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। ठीक है, पावर क्या है? पावर एक तरीके से एबिलिटी है किसी इंडिविजुअल के लिए, और वो उसकी पावर को यूज करके क्या है, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, जो भी इंडिविजुअल है और जिसके पास पावर है, वो पावर को यूज करके, ठीक है, दूसरों के बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि एक लीडर है, लीडर क्या है, लीडर को अथॉरिटी दी गई है, लीडर के पास पावर है, और वो अथॉरिटी और पावर को यूज करके क्या कर रहा है, अपने फॉलोवर्स को लीड कर रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम सक्सेसफुली अचीव करें और जो भी वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पावर। तो सिंपली पहला जो फर्स्ट जो एक तरीके से डेफिनेशन है वो क्या है, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन। ओके, पावर को यूज करके आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया किसकी अथॉरिटी, तो अथॉरिटी क्या है, द राइट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन। ठीक है, अब आपके पास पावर तो है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो भी आप अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, ओके, आपके पास पावर है लेकिन आप अपनी पावर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट के साथ उस पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जब तक आपको ऑथराइज नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पावर और अथॉरिटी को क्या है, थोड़ा कनेक्ट करके चलते हैं ताकि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सको। अथॉरिटी, अगर मैं बात करूं अथॉरिटी का क्या मीन है, अथॉरिटी का, अथॉरिटी मीन्स द राइट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, यानी कि अगर आपके पास पावर है तो आप ऑथराइज होने चाहिए कि आप अपनी पावर को किसी जो भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हो, इम्पोज कर सकते हो। ठीक है, तभी आप अपनी पावर को प्रॉपर यूज कर सकते हो और दूसरों के बिहेवियर को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द थॉट्स, यानी कि किसी के थॉट्स को अगर आप अफेक्ट कर रहे हो, किसी की फीलिंग्स को आप अफेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस है। यानी कि अगर समवन इज एक्सरसाइजिंग द पावर टू अनदर एंड चेंजिंग देयर थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस है। यानी कि इन्फ्लुएंस मीन्स कि अगर किसी की आप किसी की बिहेवियर को चेंज कर पा रहे हो, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर क्या करता है, अपने टीम मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस ऑफ कि भी वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उस इंस्ट्रक्शन को उनके जितने भी सबॉर्डिनेट है फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसा उसने कहा वैसा ही उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी जॉब को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो किसके थ्रू कर रहा है, वो पावर के थ्रू कर रहा है और अथॉरिटी के थ्रू कर रहा है। वो ऑथराइज भी है उस चीज के लिए और उसके पास पावर भी है। ठीक है, और वो इन सब चीजों को मतलब एक तरीके से कंबाइन करके जो भी उसके पास पावर है उसको अपने सबॉर्डिनेट पे एक्सरसाइज कर रहा है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत एफिशिएंसी के साथ अचीव करवा सके और उनके जो भी डे टू डे टारगेट्स हैं या जो टास्क हैं उन्हें एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करवा सके। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पावर, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी। अब पावर क्या है, पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, पावर ही क्या है, पावर को एक्सरसाइज ही करके हम अपने फॉलोवर्स को लीड करते हैं, उनको एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, ताकि वो बहुत अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म करें, जो भी उनको टास्क दिए गए हैं वो उनको परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उनकी ग्रोथ हो। ठीक है, हर साल उनका टर्नओवर और ज़्यादा इंक्रीज हो, यानी कि जो भी उनके गोल्स हैं वो टाइम पे अचीव कर लें। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब अपनी अलग अलग पोजीशन पे जो भी
पोजीशन होल्डर्स हैं वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं और अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पावर मे बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट इज सेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर होल्ड द सेम स्टेटस इन द रियल्म ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एज हेल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। इट इज़ द एबिलिटी टू पर्सन टू फुलफिल द डिजायर टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी टू पर्सन टू फुलफिल द डिजायर। जैसे सपोज मेरी ये डिजायर है कि भाई मुझे आज जितने भी मेरे जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर चाह रहा है कि भाई आज कल अगर हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिला है तो भाई हमें आज का जो हमारा जो टारगेट है उसे थोड़ा चेंज करना होगा। अगर हम एक दिन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आज हमें 15000 करनी है, ठीक है। अब उसने क्या करा, इस चेंजेस को अपनी जितने भी उसके सुपरवाइजर हैं उसके साथ डिस्कस किया और उसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब वो अपनी पावर को यूज करके क्या कर रहा है, इस चेंजेस को एक्सेप्ट करवा रहा है अपने सब सुपरवाइजर के साथ और अब जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में उनके साथ, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो किए गए किसके थ्रू किए गए, पावर के थ्रू किए गए, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबको पता है कि भी प्रोडक्शन मैनेजर के पास पावर है, अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो हमें ईच एंड एवरी केस में फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू द पर्सन एबिलिटी ऑफ पर्सन टू फुलफिल द डिजायर टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो भी डिजायर है उसको आप फुलफिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर टू अदर वन, ओके। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इवेंट, ठीक है। पावर क्या है? पावर एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इवेंट। एनीथिंग इज गोइंग ऑन दैट यू कैन चेंज, दैट यू कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ योर पावर। आप उसको पावर के थ्रू हेल्प कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अगर आप पावर में हो तभी आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक जनरल मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास फुल पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में विजिट कर सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनको मॉडिफाई कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इवेंट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेयर डज पावर कम फ्रॉम। पावर आती कहाँ से है, या फिर हम इसको टाइप्स ऑफ पावर भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोरेसी पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, इंफॉर्मेशन पावर, एक्सपर्ट पावर और चैरिज्मा, ठीक है। फर्स्ट वन है कोरेसी पावर, एबिलिटी टू पनिश अ यूज ऑफ फेयर, ठीक है। अगर हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं और फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कोरेसी पावर बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट को डर होता है कि भाई अगर हम अपना कोई काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो नहीं करोगे तो उस केस में आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको फेयर रहेगा कि आपकी जॉब ना चली जाए। तो इस तरीके की पावर को हम कोरेसी पावर बोलते हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं रिवॉर्ड पावर, ठीक है, कंट्रोल ओवर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड, इसको हम यहाँ पे एज ए रिवॉर्ड पावर बोल रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, उनको रिवॉर्ड दोगे, उनको प्रमोशन, उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है। और आपके पास पावर है इस चीज़ की, तो इस तरीके की पावर को हम रिवॉर्ड पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैनेजर, एक जनरल मैनेजर है, उसके पास पावर है कि अगर कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी को भी वो रिवॉर्ड दे सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रमोशन है या फिर कोई फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है, बोनस है, इंसेंटिव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इम्पोज कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ रिवॉर्ड पावर। उसके बाद है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट में हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन पोजीशन, कि भाई एक पर्टिकुलर पोजीशन के साथ आपके पास कुछ पावर आती है, ठीक है। जैसे अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशन होल्डर्स होते हैं तो अपनी पोजीशन के हिसाब से भी उनको कुछ पावर मिली होती है, तो इस तरीके की पावर को हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं, ओके। उसके बाद है इंफॉर्मेशन, एसेस टू द कंट्रोल ऑफ, ओके,
यू हैव एनी इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन यू कैन यूज विद एज अ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट पावर की अगर हम बात कर रहे हैं कि आप नॉलेजेबल हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट जो है वो है चरिज्मा। चरिज्मा में हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी और स्टाइल्स, ठीक है, कि किसी की एक पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी, इसमें हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्पेशल वर्चुअस ट्रेट्स किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है, ही इज़ लुकिंग सो स्मार्ट, ओके, और स्टाइलिश, तो इस तरीके की पावर को हम चरिज्मा पावर बोलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था जिसमें हमने डिस्कस किया पावर और पॉलिटिक्स को, ठीक है, यानी कि पावर को। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। इन द लास्ट नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर सेम टॉपिक पावर, अनदर सब टॉपिक ऑफ पावर एज वेल एज पॉलिटिक्स ऑल्सो। ओके, तो पॉलिटिक्स भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।